नमस्कार, मैं बालकृष्ण मुले और आप देखना शुरू कर चुके हैं द प्राइम टॉक का स्पेशल सेगमेंट मठ मंदिर और साधक। मठ मंदिर और साधक के हमारे स्पेशल मेहमान हैं हनुमान भक्त सम्मानी श्री सुनील जी यादव। सुनील जी, आपका स्वागत है, आत्मीय अभिनंदन है प्राइम टॉक के स्पेशल सीताराम। कहीं ना कहीं जब भी हम किसी हनुमान भक्त से बात करते हैं तो उनके मुखारविंद से सबसे पहला कोई शब्द निकलता है तो वो होता है सीताराम। क्या बात है, और आपके मुखारविंद से भी निकला हुआ है। आज हम चर्चा करना चाहेंगे सुनील जी से। सुनील जी काफ़ी संवेदनशील हृदय के व्यक्तित्व है। श्री मातेश्वरी देवी अहिल्या बाई होलकर प्राचीन शिव मंदिर जो कि सुभाष नगर प्रदेशपुरा के निकट स्थित है और काफ़ी प्राचीन, यूँ कहे करीब 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 300 साल से भी अधिक समय हो गया जब इस स्थान की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी यहाँ पर भगवान शिव की, और साथ ही साथ पिछले 65 साल से अधिक समय हो गया जब यहाँ पर हमारे पीछे जो विराजे हुए हैं पवन पुत्र हनुमान जी, इनकी प्राण प्रतिष्ठा की गई। आज जो समारोह जो है काफ़ी भव्य रूप लेता जा रहा है और एक बार फिर हम बैठे उसी बेला पे जिसे हनुमान जन्मोत्सव के नाम से काफ़ी देश दुनिया में खूब खूब मनाया जाता है। सुनील जी, सबसे पहले आपको हनुमान जयंती की बहुत बहुत सारी शुभकामना, और इससे शुरुआत करते हैं क्योंकि बेला वही है, आप तैयारियों में लगे हुए पिछले एक माह से। किस तरह की तैयारियां की जा रही सुभाष नगर स्थित हनुमान जी के पवन पुत्र जी के मंदिर में, टेंपल में? ये आयोजन पिछले 30 वर्षों से लगातार चल रहा है। अभी पिछले दो साल 2020 और 2021 में जी कोरोना काल के कारण आयोजन हो नहीं सका था जी, पिछले 30 वर्षों से लगातार जारी है जी, और लगभग जन सहयोग से ये आयोजन होता है। क्या बात, और जिन लोगों के सहयोग से आयोजन होता है जी, पिछले 30 सालों से लगभग सारे लोग वही जुड़े हुए हैं। ओके, और 21 क्विंटल लड्डू महाप्रसादी भोग तैयार होता है बाबा के लिए जी, सुंदर आकर्षक विद्युत सज्जा, बहुत ही सुंदर आकर्षक विद्युत, सभी लोग तारीफ करते हैं कि बहुत अच्छी है, बाबा की कृपा है। उस सज्जन का भी नाम सुनना चाहेंगे जिसके द्वारा पिछले लंबे अरसे से इस तरह की साज सज्जा, ये पिछले 30 साल से मुन्ना भैया शांति इलेक्ट्रिकल्स वाले, क्या बात, परदेशीपुरा में ही उनका प्रतिष्ठान है, वो भी उनका भी ये है कि मैं इसमें और नया क्या कर सकूं, क्या बात, हर साल कुछ ना कुछ वो एक कुछ ना कुछ नया देते हैं लाइटिंग में, रचनात्मक क्रिएटिविटी अपनी ओर से देते हैं, जिससे जो श्रद्धालु जो यहाँ आते हैं वो देखे और कहने की इस विद्युत साज सज्जा को देखकर अभिभूत से हो जाए। मुझे मतलब कल से शुरुआत हुई है लाइटिंग की जी, तो कल से मेरे पास कम से कम बाहर से, इंदौर के बाहर से 15-20 लोगों के फोन आ चुके हैं कि भैया इस बार और ज्यादा सुंदर लाइट हुई है बाबा के जन्म दिवस पे। क्या बात है, एक मौका है, कोविड-19 वैश्विक महामारी का दौर चला लगातार, दो सालों तक लोग बड़े काफ़ी चिंताग्रस्त रहे, और पहला मौका है जब 2022 में जो है हर उत्सव को काफ़ी अच्छे से मनाने की कोशिश कर रहे हैं एक्स्ट्रा एनर्जी के साथ, जहाँ पर श्रद्धालुओं की भीड़ भी उमड़ रही है और उनका जो जज्बा है भगवान के प्रति जो आस्था है वो भी देखते ही बन रही है। इसके अलावा आयोजन की बात करना चाहेंगे, किस तरह से हनुमान जयंती को सुबह प्रातः काल से कार्यक्रमों की शुरुआत हो गई, अभी तक कौन कौन से कार्यक्रमों की शुरुआत हो चुकी है? हनुमान जन्मोत्सव पे सबसे पहले तो हम प्रातः 4 बजे जी सुंदरकांड पाठ प्रारंभ कर देते हैं। ओके, उसके बाद 6 बजे तक पाठ हो जाता है लगभग, और ठीक 6 बजे बाबा के जन्म के समय पे, क्या बात है, बहुत प्रभात आरती का आयोजन होता है जी। प्रभात आरती में भी यहाँ करीब करीब 500 श्रद्धालु, कम से कम 500 श्रद्धालु सवेरे 6 बजे प्रभात आरती में आते हैं जी, बहुत धूमधाम से बाबा की आरती होती है। उसके बाद लड्डू महाभोग प्रसाद वितरण प्रारंभ हो जाता है जी, जो सतत रात्रि 12 बजे तक चलता है। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। संध्या 7:30 बजे जी महाआरती का आयोजन होता है जी, जिसमें करीब 2 से 2,500 लोग उपस्थित रहते हैं जी जी, मतलब इतनी क्षमता है इस मंदिर परिसर की, स्थिति ये होती है कि कहीं भी पैर रखने की किसी को जगह नहीं रहती है, कुछ लोग बाहर भी खड़े होके बाबा की आरती का आनंद लेते हैं जी। उसके बाद 8 बजे से भजन संध्या का आयोजन होता है तो रात्रि 12 बजे तक। इस बार भजन संध्या के कौन है गायक, किस तरह का आयोजन है? हाँ, मैं आपको ये बता दूँ कि पिछले 30 वर्षों से, क्या बात, इस मंदिर में हम किसी भजन गायक को नहीं बुलाते। ओके, हमारे मंदिर में ही हम लोग
प्रति मंगलवार को सुंदरकांड पाठ का आयोजन होता है यहाँ पे। रामायण भवन का निर्माण भी हो चुका है यहाँ, तो बाबा के दरबार में हर मंगलवार को सुंदरकांड पाठ का आयोजन होता ही है। और जो भी त्योहार आते हैं उस पर भजन संध्या का आयोजन वही भक्त लोग करते हैं जो रामायण मंडल में अपनी प्रस्तुति हर मंगलवार को। आपकी भी एक विशिष्ट पहचान है, प्रदेश भर में देखा जाता है, आप अलग अलग जिलों में, अलग अलग स्थानों पर, अलग देवालयों में अपनी भजनों की प्रस्तुति देने जाते हैं। आखिर आपके भजनों की कहानी कहाँ से शुरू हुई? क्या मंदिर से ही शुरू हुई? बाबा हनुमान जी का ही कोई आशीर्वाद है आपके साथ में बस? कि भजनों का आपका एक अंदाज है और काफ़ी निराला है, प्रोफेशनली भी इस फील्ड को ले सकते थे, लेकिन आप कभी आस्था के साथ इस कार्य को करते हैं। हाँ, प्रोफेशनली तो हम लोग इससे जुड़े हुए नहीं है जी, बस ये समझो कि बाबा का एक आशीर्वाद रहा है जी, कि छोटे छोटे थे तब से बाबा के मंदिर में पहले आरती में सम्मिलित होते थे, मंजीरे बजा के बाबा की आरती करते थे। क्या बात। फिर आरती, फिर धीरे धीरे आज से 30 साल पहले जब से ये आयोजन प्रारंभ हुआ जी, हम लोगों ने सोचा कि रामायण मंडल बनाया जाए जहाँ पे बाबा के दरबार में हर मंगलवार को सुंदरकांड पाठ करेंगे, हाजिरी लगाएंगे। शुरू में तो बराबर से हमें सुंदरकांड पढ़ना भी नहीं आता था, मतलब सीधे सीधे पढ़ते थे, बस वो ऐसी बाबा की कृपा हुई कि अपने आप हम लोग भजन भी गाने लगे, सुंदरकांड पढ़ने लगे जी। और ऐसी कृपा हुई कि महाराष्ट्र, राजस्थान, क्या पता, और एमपी में शाजापुर, आष्टा, सुजालपुर, भोपाल, उज्जैन, देवास, आसपास के सारे जिलों में करीब करीब देवी अहिल्या रामायण मंडल अपनी प्रस्तुति दे चुका। बाकी सही कहा आपने कि पुण्य श्लोका देवी अहिल्या बाई के नाम से आपका रामायण मंडल है, और जिनका नाम पूरी देश दुनिया में काफ़ी सम्मान से लिया जाता है, उनके न्यायप्रियता के चलते, उनके प्रशासनिक दक्षता के चलते, और कहीं ना कहीं आपने जब नाम लिया रामायण मंडल का देवी अहिल्या के नाम से, तो वो अंतर प्रांतीय रामायण मंडल के नाम से, यूँ कहे कि मध्य प्रदेश के अलावा आसपास के जितने भी प्रांत हैं उसमें जाकर भी अपनी प्रस्तुतियाँ देता रहा, और उसमें भी हजारों की संख्या में भक्तगण हिस्सा लेते। कितना अभिभूत करता है छोटा सा किया गया अपना कार्य, अब जब एक बड़ा स्वरूप लेता जाता है भगवान की एक भक्ति के साथ में, मतलब उस समय तो हमें अपने आप पे, हमें जब हम इंदौर से बाहर और आपको बोले तो प्रदेश के बाहर जाते हैं प्रस्तुति देने, तो हमें खुद पे विश्वास नहीं होता है कि इतने लोग जी हम लोगों को सुनने के लिए बैठे हुए हैं। बस ये सब बाबा की कृपा रहती है। बिल्कुल सही कहा कि बहुत छोटे से स्तर से हमने शुरू किया, और हमारे रामायण मंडल में किसी भी सदस्य ने कोई संगीत की, गीत की, कोई कहीं पे भी कोई ट्रेनिंग नहीं ली है, मतलब बस बाबा के दरबार में गाना सीख गए गुनगुनाते। कितने पाठ किए होंगे रामायण पाठ की बात किया जाए, सुंदरकांड की पाठ किया जाए, कितनी भजन संध्या आपके द्वारा अभी तक प्रदेश और प्रदेश के बाहर की गई? ये समझो कि इंदौर में, इंदौर सिटी में तो करीब करीब हम अभी तक 400 से 500 जगह प्रस्तुति दे चुके हैं सुंदरकांड की, और इंदौर से बाहर भी, इंदौर और प्रदेश से बाहर करीब करीब 100-125 प्रस्तुति दे चुके हैं अभी तक। क्या बात है। वाकई एक विशिष्टता होती है भक्त में, जब भक्त बोलता है सत्य के करीब बोलता है, और जब सत्य के करीब बोलता है तो कई बार आज के कलयुग में भले ही लोग अपनी ब्रांडिंग के लिए खूब खूब झूठ का सहारा लेते हैं, लेकिन जब आप एक भक्त से बात करते, भगवान शिव के भक्त से बात करते, भगवान हनुमान जी के भक्त से बात करते, जो कि एक चिरंजीवी के रूप में पूजे जा रहे हैं आज भी पूरी दुनिया भर में, देश भर में, उसका जो एक असली भक्त होता है वो केवल सत्य के करीब और एक सत्य को ही अपने मुखारविंद, अपनी वाणी में लेता दिखाई देता है। आपका जो शिवालय भी है यहाँ पर, काफ़ी प्राचीन कहा जाता है, उसके बारे में सुनना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ मैंने सुना है कि किसी तरह कोई ट्रस्ट नहीं है, किसी तरह का चंदा नहीं होता, लेकिन बावजूद इसके इतने भव्य और इतने बड़े आयोजन होते हैं, मुझे लगता है कि अच्छे अच्छे जो धन कुबेर, अच्छे अच्छे जो लक्ष्मी पुत्र हैं वो भी नहीं कर पाते, जबकि हमारा इलाका जो है जहाँ पर ये स्थान है जिसे श्रमिक पहचाना जाता है, कहा यह भी जाता है कई बार लक्ष्मी के अभाव में यहाँ के लोग जान तक दे जाते हैं, लेकिन मंदिर का वैभव देखकर ऐसा लगता है कि वाकई यहाँ रिद्धि सिद्धि वास करती है, लक्ष्मी का अनवरत वर्षा होती है। किस तरह के अनुभव है आपके इस टेम्पल को लेकर? ये वाकई एक आश्चर्यजनक बात भी रहेगी जी कि जब से हम लोगों ने यहाँ मंदिर में सेवा देना शुरू की है जी, पहली बात तो मंदिर का अभी तक कोई ट्रस्ट का निर्माण नहीं हुआ जी, किसी को किसी प्रकार की रसीद वगैरह का हमने कोई ऐसी प्रिंट नहीं कराई है, क्योंकि अभी तक ट्रस्ट का हमारा रजिस्ट्रेशन हुआ नहीं है जी। और मंदिर में
लगातार 30 वर्षों से जी मंदिर में हर माह जी कोई ना कोई आयोजन होता रहता है जी। और पिछले 4 वर्षों से एक नया आयोजन जुड़ गया है हर अमावस्या पे जी। करीब 2000 लोगों को यहाँ भोजन प्रसादी वितरण किया जाता है और उसके बाद शिवरात्रि का त्यौहार बड़े धूमधाम से यहाँ मनाते हैं जी। नवरात्रि माता जी का मंदिर है जी। उसके बाद में जन्माष्टमी धूमधाम से मनाई जाती है और हनुमान जयंती का तो क्या कहना। हनुमान जयंती तो एक तरफा मनाई जाती है। हनुमान जयंती तो लोग मुझे बोलते हैं, फोन करके बोलते हैं कि वाकई आपके यहाँ दरबार की रौनक हनुमान जयंती से होती है। देखने लायक रहती है। बिल्कुल ठीक है। और इस आयोजन की सबसे बड़ी विशेषता के मंदिर परिसर के बाहर जी। हम कभी किसी से डोनेशन लेने के लिए नहीं गए। गुड। जिन्हें भी अगर अपना दान देना है, सहयोग देना है, चाहे नगद राशि हो, सामग्री हो, वो स्वयं मंदिर में आके देते हैं। आज तक हमने कभी किसी के घर पे, दुकान पे, किसी के प्रतिष्ठान पे या रोड पे कहीं भी हम जिसे चंदा उगाही कहते हैं ऐसा हमने कोई कृत्य नहीं किया। बस वो बाबा की ऐसी कृपा है कि स्वयं चल के आते हैं। क्या बात है, क्या बात। और यही अध्यात्म भी यही कहता है कि जब ईश्वर कहीं है तो वहाँ क्या कमी है। अभी इस बात का प्रमाण जो है मुझे लगता है सुभाष नगर का शिवालय ये वास्तव में साक्षात प्रमाण है जी। अभी अभी आपको बताऊं, मैं पिछले 2 महीने पहले की जी बात बताता हूं कि बड़ी सुंदर घटना बोलूंगा इसे में। क्या बात। कि हम बैठ के चर्चा कर रहे थे, मनोहर पहलवान हमारे जो ये समझो कि पूरे आयोजक के पूरा जो आयोजन होता है उसके कर्ता धर्ता मनोहर सिंह राठौर, मनोहर पहलवान के नाम से उन्हें जानते। बिल्कुल सही कहा। तो वो हम लोग चर्चा कर रहे थे बैठ के कि शिव जी की जो जलाधारी है ये चांदी की अगर बन जाती है तो कितना खर्च आएगा। तो हमने हम मनोहर भैया और हम बैठे चर्चा कर रहे थे कि अगर ये जलाधारी चांदी की बन जाती है तो बहुत बढ़िया होगा। फिर जानकारी निकाली, बुलाया कि भैया ये जलाधारी कितने वजन में बन जाएगी चांदी में। शर्मा जी रहते हैं ज्वेलर्स हमारे परिचित, उन्होंने बताया कि भाई करीब ये 8 से 10 किलो चांदी में तैयार हो जाएगी। अच्छा। मनोहर भैया ने कहा कि भाई आधा किलो तो अभी मैं दे सकता हूँ चांदी। हाँ। उसके बाद अपन कोशिश करेंगे और जो श्रद्धालु हैं उन्हें बोलेंगे। सही। तो इसे देखो आप चमत्कार कहेंगे भोलेनाथ बाबा का कि जिन्हें बुलाया था कि भाई बताओ आप कितना वजन है। हाँ। वो शर्मा जी बोलते हैं कि बस आपने आधा किलो बोल दिया है। हाँ। इसके बाद आप किसी से मत लेना, 8 किलो 10 किलो जो भी चांदी लग रही है मैं। वाकई ये तो बहुत रोमांचित और अभिभूत करने वाली बात। अभी 1 महीने पहले जलाधारी चांदी की बन गई करीब 8.5 किलो की। बहुत शानदार, बहुत शानदार। देवी अहिल्या की 5वीं पुण्यतिथि पर इस पंचों द्वारा यहाँ पर शिवालय का निर्माण किया गया था, वो किस तरह की कहानी है। एक्चुअली हमने सुना है क्योंकि काफी पुरानी बात है जी। जिस समय मंदिर का निर्माण हुआ था जी, मंदिर का और एक प्याऊ का निर्माण हुआ था जी, करीब 300 साल पहले। हाँ। अहिल्या माता के स्वर्गवास के बाद की बात है जी। उनकी स्मृति में ये मंदिर का निर्माण हुआ था। ओके। क्योंकि अगर अहिल्या माता के समय निर्माण होता जी तो वो अपना नाम नहीं लिखने देती कहीं। बिल्कुल सही कहा। इसमें मातेश्वरी देवी अहिल्या शिव मंदिर लिखा है, मतलब उनके स्वर्गवास के बाद इसका निर्माण हुआ। तो भी करीब करीब ऐसा कोई लिखा पढ़ी में इतिहास नहीं मिलता। लिखा पढ़ी में कोई इतिहास नहीं, मैंने ये सुना था। इतिहासकार कभी चिंता करते हो? हाँ, मैंने मुझे एक मित्र ने बोला था कि आप राजवाड़ा का जो इतिहास है उसमें थोड़ी जानकारी निकालो, मैंने कहीं उल्लेख देखा है। अच्छा। कि मील क्षेत्र में 11 पंचों ने एक मंदिर का निर्माण करवाया था करीब 300 साल पहले। ओके। तो अभी तक तो अभी अभी उसकी जानकारी लगी थी, अभी हमने उसको देखा नहीं है, अभी प्रूफ नहीं किया है। ओके ओके ओके। तो किस तरह का स्थान है? तो ये जब निर्माण हुआ था उस समय जंगल हुआ करता था। हाँ। जंगल में राहगीर के रुकने के लिए एक यहाँ पे प्याऊ था बहुत पुराना जी, एक सराय थी। ओके। और एक भोलेनाथ का मंदिर था। ये जंगल में जो भी आने जाने वाले पथिक के उन लोगों के लिए के रुकेंगे, वहाँ प्रभु के दर्शन करेंगे, आश्रय लेंगे, आश्रय के हिसाब से ये बनाया गया था। बिल्कुल, बिल्कुल। और आज देखो ये
इंदौर सिटी के बीच में, बिल्कुल सुनील जी वाकई आपसे बातचीत करके जितना आनंद मुझे आ रहा है, क्योंकि एक भक्त से बातचीत करने मुझे जितना आनंद आता है, मुझे ऐसा लगता है यही मेरी भक्ति हो सकती है कि आप जैसे लोगों से चर्चा करूं, सात्विक चर्चा करूं, सकारात्मक चर्चा करूं, आपसे जब बातें करूं तो उस बातों किससे बातें निकल के जो सामने आती उससे मेरा खुद का आत्मबल बढ़ो। आपकी आयु मैंने सुना है कि 55-56 कितनी, 64-65 कितनी, 55 के करीब पार कर चुका हूँ। 55 और कितने वर्षों से भक्ति मार्ग पे? देखा जाए तो हम लोग तो बचपन से यहाँ से जुड़े हुए हैं। मतलब मुझे अच्छे से ध्यान है कि जब मैं पहली बार स्कूल गया था जी, तो इसी शिव मंदिर में और ये हनुमान जी के यहाँ दर्शन करके मत्था टेक के मेरे पिताजी, और बिल्कुल पास में यहाँ स्कूल था, सरकारी स्कूल 108, क्या बात उसमें ले गए थे। मुझे ये बात अच्छी तरह से ध्यान है कि पहली में जब मेरा एडमिशन हुआ था तो इस मंदिर में धोख दे के गए थे, और तब से इस मंदिर में हमारा आना जाना लगा हुआ, और प्रतिदिन आना जाना है। आज तो एक बड़े सेवक के रूप में आपकी पहचान है श्रमिक इलाके में, इस मंदिर में कैसा लगता है? कभी अहंकार होता है? नहीं, सेवक तो सेवक होता है, सेवक को उसमें ना होता। तो कोई बड़ा ना छोटा, बिल्कुल सही कहा। ये है कि इस बात का एक प्रसन्नता होती है मन में, अच्छा कि प्रभु ने इतना समय दिया हुआ है मुझे जी कि मैं इस मंदिर में उनकी सेवा कर सकूं। क्या बात। आपकी भक्ति के अनुभव के प्रति, मतलब आपके परिवार में किस तरह के सकारात्मकता देखी जाती है, किस तरह की प्रगति देखी जा सकती है, उसके बारे में सुनना चाहेंगे? मैंने एक चीज तो शुरू से देखी कि बचपन से कभी मेरी माँ, मेरे पिताजी ने जी, मेरे भैया, मेरे भाभी ने मंदिर के किसी भी कार्य में मुझे मना नहीं किया जी। जब हम पढ़ाई करते थे उस टाइम भी कभी मना नहीं किया कि भाई मंदिर में किसी भी काम के लिए जा रहे हो, मंदिर की सेवा के लिए जा रहे हो, कभी किसी ने कोई रोक टोक नहीं की जी। और बस ये प्रभु की इच्छा थी कि शादी के बाद भी कभी परिवार में किसी ने नहीं बोला कि आप मंदिर क्यों। कभी कभी ये होता है कि सुंदरकांड पाठ करने के बाद जी हम सुबह 5 बजे घर पहुँचते, ओके, तो उसके लिए भी कभी घर से कोई शिकायत नहीं कि हाँ ठीक है आप प्रभु की सेवा में है, बहुत अच्छी बात है। बच्चों के बारे में सुनना चाहेंगे किस तरह का प्रभु से उनका किस तरह का प्रगति? बस एक प्रभु की कृपा बोलेंगे। मैं एक बहुत छोटी सी शासकीय नौकरी में हूँ, बीमा चिकित्सालय में जी जी, बहुत छोटे से पद पे हूँ। उसके बावजूद मुझे खुद को आश्चर्य होता है कि इन्हीं की कृपा है कि आज पिछले 4 साल से मेरी बेटी डॉक्टर बन चुकी है, पिछले 4 साल से उसकी प्रैक्टिस चल रही है। क्या शुभ नाम है? डॉक्टर उर्वशी यादव। क्या बात है, बहुत सुंदर। तो मुझे वास्तव में लगता है कि ईश्वर है और मेरे साथ है ईश्वर। क्या बात है। और मैं हर व्यक्ति से यही बोलूंगा कि वाकई आप एक बार दिल से ईश्वर की भक्ति करके देखो। बिल्कुल, भक्ति करेंगे तो आपको शक्ति मिलेगी और शक्ति से ही आपका संचार सुचारू रूप से अच्छे से निर्बाध गति से चलता रहेगा। इस आयोजन पर आते लौट कर हनुमान जयंती, हनुमान जन्मोत्सव की बात करते, कितनी बड़ी टीम है, कौन कौन लोग हैं जो इसमें सहयोग करते हैं, उनके नाम सुनना चाहेंगे आपके मुखारविंद से। हनुमान जयंती का जो आयोजन है जी, उसमें सबसे प्रमुख तो हमारे मनोहर सिंह राठौर जी, जिन्हें पूरे इंदौर में ही जानते हैं, उन्हें मनोहर पहलवान के नाम। बिल्कुल सही कहा, कुश्ती, मतलब उनका बहुत बड़ा सहयोग रहता है जी। उसके बाद तारक सिंह गुंड मामा जी, जो भानगढ़ से यहाँ आते हैं मंदिर पे, उन्होंने अभी माता अहिल्या की प्रतिमा का भी यहाँ निर्माण करवाया, तो उनका भी काफ़ी सहयोग और मार्गदर्शन रहता है जी। जो पुजारी हैं यहाँ के, लक्ष्मीकांत जी मेहता, ओके, पूरी व्यवस्था आयोजन की उनके हाथ में रहती है, और पिछले 30 वर्षों से बहुत सुंदर तरीके से सुचारू रूप से ये व्यवस्था चल रही है जी। और लगभग हमारे साथ में अन्य करीब 15 लोग और इस सेवा समिति में जुड़े हुए हैं जी, जो अपने अपने स्तर की सेवा सभी देते हैं, करते हैं। अगर कोई मान लो कोई ऑटो रिक्शा चलाता है तो वो उसकी ऑटो रिक्शा सेवा में लग जाती है। क्या बात, बहुत सुंदर। इस तरह से सभी अपने अपने स्तर पे सेवा देने में तत्पर खड़े रहते हैं। क्या बात है सुनील जी, वाकई खूब आनंद आया आपसे चर्चा करने में। जिस तरह से आपने सात्विकता का एक माहौल तैयार किया, सकारात्मक माहौल तैयार किया, हनुमान जी का जन्मोत्सव आप भव्य पैमाने पर मनाने जा रहे हैं, हनुमान जी हमारे पीछे बिल्कुल एक आशीर्वाद वाली मुद्रा में बैठे हुए, मुझे ऐसा लगता है कि आयोजन जिस तरह से पिछले 3 दशक से आप कराते आ रहे हैं स्वयं की मौजूदगी के साथ, और सफल आयोजन कराते आ रहे हैं, आपको द प्राइम टॉक की ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं। इसी तरह आप प्रगति के पथ पर आगे बढ़ते रहे, इसी तरह सफल आयोजन करते रहे। आप जिस तरह से लगातार प्रदेश भर में और प्रदेश के बाहर भी
सुंदरकांड के पाठ करते हैं, भजन संध्याएं करते हैं, मंदिर में भी लगातार आप भक्ति की जो गंगा है उसे बहा कर रखते हैं, इसी तरह बहाते रहिए। आपको हमारी ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं। आपने द प्राइम टॉक से चर्चा की, हृदय से चर्चा की, आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय सीताराम। सीताराम।